नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल दिल्ली टीवी। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अन्नदाराम बिश्नोई। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि IAS अधिकारी बनने के लिए क्या करना होता है। आपके जहन में भी ये सवाल आया होगा और अगर आप IAS एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं तो कई सारे सवाल आपके मन में होंगे, ये मुझे भी पता है। जैसे एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, एग्ज़ाम कब होता है, एग्ज़ाम के लिए क्या रणनीति बनाई जाए ताकि सफलता हासिल की जा सके। तमाम तरह के सवाल इससे जुड़े हुए आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। बस शर्त यह है कि आपको ये पूरा वीडियो देखना होगा। IAS बनने के लिए UPSC की ओर से आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में आपको भाग लेना होता है। ये परीक्षा साल में एक बार होती है। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। तो अगर बात करें एकेडमी की, तो आपके पास ग्रेजुएशन होना बेहद ज़रूरी है अगर आप IAS की परीक्षा में बैठना चाहते हैं। तो इसके अलावा बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो बात करें अलग अलग कैटेगरी की एज लिमिट की, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल की। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो तो आपकी कम से कम आयु है वो 21 साल होना बेहद ज़रूरी है और अधिकतम आयु है वो 35 साल हो सकती है। वहीं बात करें OBC वर्ग की, तो OBC वर्ग से अगर आप आते हो तो आपकी कम से कम उम्र 21 साल होना ज़रूरी है और अधिकतम उम्र है वो आपकी 35 साल होना ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं SC ST की। तो अगर आप SC ST वर्ग से आते हो तो कम से कम उम्र है आपकी 21 साल होना ज़रूरी है और अधिकतम उम्र है वो आपकी 37 साल होना ज़रूरी है या हो सकती है। हर साल लाखों अभ्यर्थी इस एग्ज़ाम को देते हैं। तो अब आपके मन में एक सवाल ये ज़रूर होगा कि आखिर इतने अभ्यर्थी ये एग्ज़ाम देते हैं तो सिलेक्शन का चांसेस इसमें क्या रहता होगा। तो आपको जानकारी के लिए बता दे दूँ कि अमूमन यहाँ सिलेक्शन का चांसेस 0.21% रहता है, जो कि काफ़ी कम है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर डीमोटिव नहीं कर रहा हूँ, बल्कि एक जानकारी दे रहा हूँ। हर किसी का सिलेक्शन होता है। जो सिलेक्शन होता है वो भी हमारी तरह ही होते हैं, एक तरह से तैयारी करते हैं, रणनीति बनाते हैं, उसके बाद में उस एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं। अब बात करेंगे एग्ज़ाम के पैटर्न की, यानी एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होता है, क्या पैटर्न होता है। आपको बता दूं कि एग्ज़ाम के तीन स्तर होते हैं, तीनों स्तरों को आपको पार करना होता है। पहला स्तर होता है प्री एग्ज़ाम, दूसरा स्तर होता है मेन एग्ज़ाम और तीसरा स्तर होता है इंटरव्यू। अब बात कर लेते हैं एक एक स्तर की विस्तार से। बात करें प्री की, तो प्री में आपको यहाँ पर दो पेपर देने होते हैं। पहला पेपर जनरल स्टडी का होता है और दूसरा पेपर CSET का होता है, जो कि सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। दूसरे स्तर में जाने के लिए जो मेरिट बनती है उसमें CSET के, यानी दूसरे पेपर के अंक है वो नहीं जोड़े जाते हैं। सिर्फ जो जनरल स्टडी में नंबर आते हैं वही मेरिट के लिए, यानी जो दूसरा स्तर है उसमें जाने के लिए पहले पेपर के ही नंबर जोड़े जाते हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरे स्तर की, यानी मेन एग्ज़ाम की। आपको बता दूँ कि मेन एग्ज़ाम में आपको टोटल 9 पेपर देने होते हैं और इन 9 में से 7 पेपर पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना होता है, क्योंकि ये 7 पेपर ही अगले स्तर में जाने के लिए मेरिट में नंबर इनके काउंट होते हैं। जबकि 2 पेपर होते हैं वो लैंग्वेज के होते हैं, पहली लैंग्वेज इंग्लिश होती है, दूसरी लैंग्वेज संविधान में दर्ज लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज आपको चुननी होती है। ज़्यादातर जो हिंदी मीडियम के छात्र होते हैं या फिर जो हिंदी पट्टी के छात्र होते हैं वो हिंदी लैंग्वेज को चुनते हैं। अब बात कर लेते हैं तीसरे स्तर की, यानी तीसरा फेज होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू के दौरान आपको करंट अफेयर से जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपकी जो रुचि है, आप कहां से पढ़े हैं, कहां से बिलोंग करते हैं, कौन से क्षेत्र से आते हैं, इसके अलावा तमाम जो एक सामान्य इंसान से या एक IAS अधिकारी के नॉलेज में जो जानकारियाँ होनी चाहिए उससे रिलेटेड चीज़ें हैं वो इंटरव्यू में पूछी जाती है। मैं आपको सलाह दूंगा कि YouTube पर बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज़ पड़े हुए हैं, आप उन इंटरव्यूज़ को देख सकते हैं। वहाँ से काफ़ी सारी जानकारी या एक अंदाज़ा है वो आप लगा सकते हैं कि किस हिसाब के सवाल है IAS इंटरव्यू के दौरान पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की, वो है सैलरी की। यानी जब आप ये तीनों स्तर पार कर लेते हैं तो उसके बाद में आपको सैलरी कितनी मिलती है अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो। लेकिन इससे पहले एक और पॉइंट आता है रैंक की। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जिनकी अच्छी रैंक होती है, टॉप रैंक होती है, जो टॉप 100 या वो है IAS में सिलेक्शन होता है उनका IAS में, उसके बाद में फिर IPS का नंबर आता है, फिर IRS IPS जो अलग अलग रैंक के हिसाब से अलग अलग है वो आपको पोस्ट दी जाती है। तो अब बात करूँ मोटा मोटी सैलरी की, तो यहाँ पर शुरुआती 50,000 से लेके समय के साथ यहाँ आपकी सैलरी 2 से 2.5 लाख तक हो जाती है, यानी काफ़ी अच्छी खासी सैलरी मिलती है। इसके साथ ही
अधिकारियों को कई सारी फैसिलिटी मिलती हैं, कई सारी सुविधाएं मिलती हैं। अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके मन में एक सवाल ये ज़रूर होगा कि अगर इस एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं तो कितनी बार इस एग्ज़ाम को हम दे सकते हैं। तो अलग अलग कैटेगरीज वाइज बात कर लेते हैं। अगर आप जनरल से आते हैं तो आप इस एग्ज़ाम को यानी 6 बार दे सकते हैं, 6 अटैम्प्ट आप दे सकते हैं। वहीं बात करें अगर OBC की तो OBC वाले 9 अटैम्प्ट दे सकते हैं, और SC ST या फिर अगर आप जम्मू कश्मीर से आते हो तो यहाँ पर आपको अटेम्प्ट की कोई लिमिट नहीं है, यानी आप अपनी जब तक आपकी एज लिमिट पूरी ना हो तब तक आप जितने चाहे उतने अटेम्प्ट दे सकते हो। अब आपके मन में एक सवाल यह होगा कि आखिर इसका सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करें। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सिलेबस का लिंक आपको मिल जाएगा, प्री और मेन दोनों एग्ज़ाम का सिलेबस का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात रही रणनीति की तो मोटे तौर पर बता दूँ कि कुछ वीडियोज़ मैंने भी जो IAS एग्ज़ाम तक पहुंच चुके हैं, IAS इंटरव्यू फेस कर चुके हैं, उनके साथ भी इंटरव्यू लिया है मैंने, वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे वीडियोस है YouTube पर अवेलेबल है, वहां से भी आप देख सकते हैं। और जाते जाते एक और पॉइंट मैं बता देता हूं कि कई सारे स्टूडेंट के मन में कोचिंग को लेकर भी कन्फ्यूज़न रहता है कि कोचिंग करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो जहां तक अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है, फाउंडेशन क्लियर नहीं है, तो आप कोचिंग कर सकते हैं, या फिर अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन आपको जो NCERT की बुक है वो आपको पढ़नी होगी और शुरुआत से आपको पकड़ बनानी होगी। उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको कोई फीडबैक देना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। सोशल मीडिया के माध्यम से अभी मेरे से नहीं जुड़े हो तो आप जुड़ सकते हो, सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नमस्कार।